आज मित्रों जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि पार्टी के दफ्तर पर 11 अशोका रोड पर मैं आपके इतने प्यार से गर्मजोशी से जो स्वागत और सम्मान आपने दिया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे मन को यह घटना छू रही है, उसका एक विशेष कारण है। मैंने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष इसी 11 अशोका रोड में बिताए थे। कई वर्षों तक इसी 11 अशोका रोड की एक छोटी सी खोली में पार्टी के लिए मेरे लिए जो काम निश्चित होता था उसे मैं करता था। भाइयों बहनों, मैं अपने अनुभव से कहता हूं, भारत के लोकतंत्र की ताकत और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का सामर्थ्य उसी का परिणाम है कि एक व्यक्ति जहां कोने में बैठकर के कार्यालय में जिंदगी गुजारता था, इतने सालों तक यहां रहा था, आप में से बहुत कम लोगों को मिला था, एक पर्दे के पीछे एक साधक की तरह अपना काम करता था, लेकिन ये संगठन का सामर्थ्य है तो उसने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। और उसी प्रकार से ये भारत के लोकतंत्र का भी सामर्थ्य है, शक्ति है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, वोट की ताकत से सामान्य व्यक्ति को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे सकते हैं। और गुजरात के मतदाताओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से मुझे दायित्व दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं जब अपने साथियों को हिसाब देने आया हूं, भाइयों बहनों, मैं आपका एक साथीदार हूं और आपके साथीदार के नाते मुझे आपको हिसाब देना चाहिए। और मेरे लिए आज मौका है मेरे साथियों को हिसाब देने का। और मैं तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का अविरत परिश्रम और जिसका परिणाम कि आज जब दो साल ढाई साल में सरकारें बदलती हैं, उसमें 12-12 साल से 3 बार एक सरकार को जनता चुने, ये भारतीय जनता पार्टी संगठन सरकार का काम इसकी गवाही देता है, ये इसकी गवाही देता है। भाइयों बहनों, मुझे इस बात का भी आज संतोष हो रहा है कि 12 साल के शासन काल के दरमियान मेरी सरकार ने जो कुछ भी काम किए, भारतीय जनता पार्टी ने हमें जो कुछ भी जिम्मेवारी दी और उसको पूरा करने का हमने जो प्रयास किया, उस प्रयास का परिणाम है कि मुझे इस बात का गर्व है कि देश और दुनिया में भारत मां को प्यार करने वाले हर व्यक्ति का सीना चौड़ा हो रहा है, माथा गर्व से ऊंचा हो रहा है। और एक कार्यकर्ता के नाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मुझे जो दायित्व मिले उस दायित्व से मैं ऐसा काम करूं, क्योंकि मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता सीना तान करके, आंख में आंख मिला करके दुनिया को चुनौती देने का सामर्थ्य पैदा करें। और भाइयों बहनों, आपके एक साथी के रूप में
आपने जो भी जिम्मा मुझे दिया है उस जिम्मे को पूरा करने का मैंने प्रयास किया है और हर बार गुजरात के मतदाताओं ने उन अच्छे कामों को मोहर लगाई है। भाइयों बहनों, गुजरात एक्सपीरियंस से मैं कार्यकर्ताओं को यह जरूर कहूंगा, कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। भाइयों बहनों, मैं ये भी मानता हूं कि आज जन सामान्य की आशा अपेक्षाएं बहुत बढ़ी हुई है, व्यक्ति की आकांक्षा भी बढ़ी हुई है और उस आशा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिपल शासन को जन समर्पण के साथ चलाए रखना, जनता को संतोष देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दायित्व तो होता है। लेकिन इस पार्टी से मुझे जो संस्कार मिले, पार्टी के हर छोटे मोटे कार्यकर्ताओं से जो समर्थन मिला, उससे भली भांति उस पवित्र कार्य को हम कर पाए हैं और मुझे गर्व है कि मुझे जो दायित्व मिला है उस दायित्व को भारतीय जनता पार्टी को संतोष हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को गर्व हो, उस प्रकार से पूरा करने का मैंने प्रयास किया है। भाइयों बहनों, आज देश और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के गुजरात शासन की चर्चा हो रही है। मैं देख रहा हूं कि पिछले वर्ष कुछ वर्षों से देश के कई प्रमुख लोग, भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के लोग भी मीडिया में कोई हाईफाई किए बिना भी लगातार गुजरात आते रहे हैं। सरकार के साथ बैठ करके उन्होंने विस्तार से अध्ययन किया है, विकास की योजनाओं का अध्ययन किया है, उसके इम्प्लीमेंटेशन का अध्ययन किया है। मैं भी दिल्ली के मित्रों को निमंत्रण देता हूं, अगर आप में से पार्टी तय करें और गुजरात आकर के 5-7 दिन रुक करके शासन व्यवस्था, गुजरात ने क्या मॉडल दिया है, आप आए जरूर देखें। और आपने इतने बड़े दिल्ली को चलाया है, देखा भी है, और मैं आग्रह करूंगा अगर हमारी कुछ कमियां हैं तो आकर जरूर हमें बताइए ताकि हम उसको और अधिक अच्छा करें और देश की और अधिक अच्छी सेवा कर सकें। भाइयों बहनों, भले ही आप गुजरात से न हो, आपका गुजरात से कोई कारोबार न हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके मन में गुजरात में करने योग्य कोई सुझाव होंगे, अगर आप मुझे भेजेंगे तो एक कार्यकर्ता के रूप में मैं उसका स्वागत करूंगा और मैं कोशिश करूंगा उन चीजों को कैसे लागू किया जा सकता है। भाइयों बहनों, आज मैं यह एनडीसी की मीटिंग में आया था और मैंने एनडीसी की मीटिंग में प्रधानमंत्री के सम्मुख अपनी बात रखते हुए मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी, देश का दुर्भाग्य है कि आप जिस पद पर बैठे हैं, जहां से आप बात बोल रहे हैं, देश में निराशा का माहौल बन रहा है। आप जो कुछ भी बातें कर रहे हैं, देश को एक निराशा की गर्त में डुबाए जा रहे हो। मैंने अपनी बात आज बड़ी कठोरता के साथ इस मीटिंग में रखी है और मैंने उनसे कहा है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास कोई सोच नहीं है, न कल्पकता है, न कोई परिश्रम है। अगर यही हाल रहा तो पता नहीं देश कितना नीचे चला जाएगा। आपको हैरानी होगी, एक साल पहले देश की प्लानिंग कमीशन और भारत सरकार ने 9% विकास दर का संकल्प किया था, 9%। हम तो उनसे काफी आगे हैं, लेकिन वे 9% नहीं कर पाए, 7.9 पे अटक गए। दुख का विषय दूसरा है दोस्तों, इस बार उन्होंने 9 सोचना भी बंद कर दिया और इस बार उन्होंने सोचा है 8.2% ग्रोथ करेंगे, विकास दर करेंगे। अब आज 7.9 है, 8.2 करना मतलब 0.3 आगे बढ़ना,
इस देश को 0.3% आगे बढ़ाने के लिए आज पूरा देश इकट्ठा हुआ था दिल्ली में। मैंने कहा क्या हाल है जी, हम सब मुख्यमंत्री कितना ही धक्का लगाए लेकिन जिस प्रकार से आप दिल्ली चला रहे हो ये 0.3% के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, ये हाल है दिल्ली सरकार का। जबकि गुजरात 11+ से विकास दर कर रहा है। मित्रों, कृषि के क्षेत्र में वो 2.5-3% से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और गुजरात 10 से नीचे नहीं आ रहा है। यानी इतना मिसमैच है जी। मैंने आज सारे विषय उनके सामने रखे, मैंने कहा कुछ तो सोचिए आप, देश का नौजवान, हिंदुस्तान का 65% नौजवान 35 से कम उम्र का है, हिंदुस्तान की जनसंख्या का 65% 35 से कम आयु का होना, यानी भारत युवा शक्ति से भरा पड़ा है, लेकिन उस युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में जोड़ने के लिए आपके पास न कोई सोच है, न कोई सपना है, न कोई योजना है, न आपका कोई पॉलिटिकल व्हील है। भाइयों बहनों, आप कल्पना कर सकते हैं कि किस स्थिति से आज नेतृत्व देश को चला रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, आज देश में कुछ भी अगर हो पा रहा है तो कुछ राज्यों के परिश्रम के कारण हो रहा है। थोड़ा सा भी आशा की नजर आ रही है तो कुछ राज्यों के परिश्रम से आ रही है। एक इंदिरा गांधी के जमाने से कार्यक्रम चलता था, 20-point प्रोग्राम गरीबों की भलाई के लिए चल रहा है। जितनी भी सरकारें हैं सब सरकारों ने इसको कंटिन्यू किया, अटल जी के जमाने में कंटिन्यू किया था, अभी भी कंटिन्यू किया, और उसका हर 6 महीने रिव्यू बाहर निकलता था। और पिछले 10 साल में गरीबों की भलाई के 20-point प्रोग्राम के इंप्लीमेंटेशन में हर बार पहला नंबर गुजरात का आया। और इतना ही नहीं, पहले 5 में कांग्रेस का एक भी राज्य नहीं, इतना ही नहीं पहले 5 में यूपीए का भी कोई स्टेट नहीं। और मैंने 1 साल पहले एक मीटिंग में जब कहा, मैंने कहा आपकी यह हाल है, आपका कोई स्टेट परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो भारत सरकार ने क्या किया, अपने राज्य को परफॉर्मेंस करके मोदी से आगे निकल जाने के लिए प्रेरित करने के बजाय उन्होंने निर्णय किया कि अब भारत सरकार हर 6 महीने जो रिपोर्ट निकालती थी वो निकालेगी नहीं, ताकि उनकी बेइज्जती होती थी। यानी वो रास्ते ऐसे खोज रहे हैं कि जो देश को गड्ढे में ले जा रहा है। अच्छा करना, अच्छा सोचना, आगे बढ़ना, ये कोई अपेक्षा आज वर्तमान कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से करना बहुत मुश्किल है। भाइयों बहनों, गुजरात ने वादा किया है विकास की नई ऊंचाइयों पर जाना और विश्व की समृद्ध शक्तियां जो हैं उसकी बराबरी करने का सपना देकर के गुजरात आगे बढ़ रहा है। मित्रों, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन अपना लोहा दिखा रहा है तो गुजरात क्यों न दिखा सकता है, इस सोच से हम आगे बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, आपने स्वागत किया, सम्मान किया, स्वयं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस काम के लिए आए, मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।